हेलो एवरीवन, सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म इनफाइनाइट चार्ज वायर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था गॉस थ्योरम और ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, और वो क्लोज सरफेस होगा वो हाइपोथेटिकल सरफेस होगा, नकली सरफेस होगा ना, वो तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा। आप सबसे बिल्कुल सिंपल वर्ड में, हमने एक इनफाइनाइट वायर कंसीडर किया, राइट, वी कंसीडर एन इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। थिन का मतलब बिल्कुल पतला वायर। अब थिन का रीजन एक है कि ये वायर इतना पतला है, राइट, जैसे ये वायर, एक मार्कर मैंने लिया वायर की तरह। अब ये वायर पतला होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले सरफेस से तो ना के बराबर, क्योंकि ऊपर से भी जा सकती, बट ये वायर इतना थिन है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, अगर ये वायर बड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर भी जा सकती है, बट ये इतना कम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम। इनफाइनाइट का मतलब इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। अब इसकी लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ये किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए। तो हमने एक क्लोज सरफेस कंसीडर किया, ये मार्कर है, एक वायर की शेप है, सिलेंड्रिकल शेप। इसको बिल्कुल बंद करना है, थ्री डी डायग्राम, थ्री डी इसका गॉसियन सरफेस। कितने सरफेस लाने पड़ेंगे, एक सिंपल सी बात, एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे और एक ढक्कन बीच में रैप कर देंगे। अब इसको क्लोज करना पड़ेगा, एक बीच में और एक नीचे, तीन सरफेस हो गई, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, एक बराबर वाला सरफेस। इसकी लेंथ क्या है, L। यहां इसकी रेडियस क्या कंसीडर की, R। अब सबसे पहली बात, मैंने यहां पे इस वायर ऊपर भी छोड़ा नीचे भी छोड़ा, क्यों, वायर कैसा है, इनफाइनाइट, लेकिन मैंने लेंथ क्या ली है, L। इसलिए कभी भी सारे वायर को कवर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस फाई, तो फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एस के इक्वल। बट ये एप्लीकेशन किसकी है, गॉस थ्योरम की। ये क्लोज सरफेस है, कितने सरफेस से मिलकर बना क्लोज, एक बराबर में, एक नीचे ढक्कन, एक ऊपर ढक्कन, तीन सरफेस से मिलकर बना। अगर मैं इस बीच वाले का एरिया वेक्टर, इस पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर तो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो इसका एरिया वेक्टर, यहां छोटा सा एरिया कंसीडर किया मैंने, इसका एरिया वेक्टर बन गया डी एस वन का, ये डी एस वन कंसीडर किया। ऊपर वाले का एरिया वेक्टर हमेशा ये सरफेस ऐसे इस पे परपेंडिकुलर, नीचे वाले का नीचे परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया वेक्टर यहां पर ये डी एस टू, नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे वाले पे परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका एरिया वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर इस पे, इसका एरिया वेक्टर कहीं भी मान सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से दूर, ये पॉजिटिव है इधर, इधर पॉजिटिव से दूर, फिर पॉजिटिव से दूर, इसी डायरेक्शन में। ऊपर क्यों नहीं गई, वायर कैसा है, थिन। ये थिन वर्ड का मतलब ये, अगर थिन ना लिखते तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी जा सकती थी, क्योंकि वायर इतना थिन है, ये पॉजिटिव वाला इधर ही जाएगी, ऊपर तो ना के बराबर है, राइट। अब ये तो क्लोज सरफेस, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल। अब ये कितने सरफेस से मिलकर क्लोज बना, थ्री से, वन टू थ्री। फर्स्ट क्या है,
ई डॉट डी एस वन। यहां पर मैंने क्लोज नहीं लगा क्योंकि इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, क्लोज्ड, प्लस ई डॉट डी एस टू प्लस ई डॉट डी एस थ्री, क्योंकि जो ये क्लोज सरफेस बना वो तीन सरफेस से मिलकर बना है, डॉट प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल फॉर्मूला यही है। देन फाई इज इक्वल टू फर्स्ट सरफेस ई डी एस वन कोस, या फर्स्ट वाले में ई और डी एस वन के बीच कितने डिग्री का एंगल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, जीरो डिग्री, प्लस ई डी एस टू, डी एस टू में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कोस 90, प्लस ई डी एस थ्री कोस 90। अच्छा यहां पे कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ई डी एस वन कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, एंड कोस 90 क्या होता है, 0, कोस 90 क्या होता है, 0। अब फाई इज इक्वल टू ई डी एस वन, दैट इज इक्वल टू ई इंटू, अब डी एस वन बीच वाले पे डी एस वन कंसिडर किया है तो एरिया निकलेगा बीच वाले का, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, पढ़ा होगा ना 10th क्लास में 9th में भी कि सिलेंडर का क्राउड सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच, भाई डी एस वन है इसका पूरा एरिया S1, और S1 क्या, क्राउड सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच कितना है L, तो 2 पाई आर L। तो हमेशा जब भी कोई गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन होगी तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर इससे कंपैरिजन करनी पड़ेगी गॉस थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ये भी फ्लक्स और ये भी फ्लक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की कंपैरिजन करो, ये भी फाई राइट, एल रह गया। अब दोनों की आप कंपैरिजन करोगे तो ये क्या बनेगा, ये भी फ्लक्स लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी सेम, ई इंटू टू पाई आर एल, यहां से हमने लिया इज इक्वल टू क्या बन गया, क्यू बाय एप्साइलन नॉट, तो ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्साइलन नॉट और नीचे आ गया 2 पाई आर एल, राइट, ये फॉर्मूला हमारे पास आया। लेकिन एक छोटी सी बात, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा मास डेंसिटी, डेंसिटी होती मास अपॉन वॉल्यूम, बट यहां मास का रोल किसने ले लिया, चार्ज ने, और चार्ज अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो चार्ज को तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट, और वो क्या होती है, वो होती चार्ज डेंसिटी। जैसे वन मिनट, हमारे पास एक होती है, अगर वायर लेंथ वाइज हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होती है, डिनोटेड बाय लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा लैम्डा, लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज लेंथ वाइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो वहां पर क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर चार्ज अपॉन लेंथ, इसके लिए क्या लगेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा अपॉन, नीचे क्या बच गया, 2 पाई एप्साइलन नॉट आर। तो यहां पर इसके साथ ये बिल्कुल तीन तरीके की होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। अगर यहां लेंथ वाइज हो तो लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर यहां एरिया वाइज हो तो सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया, वो अगले में जिक्र करेंगे हम अगले लेक्चर में। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसका मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, R, जितनी ज्यादा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, वीक, और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं E वर्सेस R तो वो बनेगा कर्व, इनवर्सली में तो कर्व ग्राफ बनता है, राइट।
तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म इनफाइनाइट चार्ज वायर। बिल्कुल सिंपल सी बात, गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू।